इस वीडियो में हम कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या होती है यह देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड नाम का एक बटन है जो F7 प्रेस करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, कैटेगरी, यहाँ पे एक भी कैटेगरी यहाँ पे पहले क्रिएट नहीं हुई है और कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, तो हमें पहले कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे कैटेगरी क्यों क्रिएट करनी पड़ेगी ये हम देखेंगे। मान लो मेरा बिजनेस है मैंने कंप्यूटर सेल करने का, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज रहते हैं और कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी रहते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी मेरी यहाँ पे प्रोसेसर्स है, मैं प्रोसेसर्स भी सेल करता हूँ, तो प्रोसेसर्स के अंदर मैं इंटेल की भी सेल्स करता हूँ, AMD के सेल्स करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी रहेगी प्रोसेसर्स और ये सब कैटेगरी रहेगी। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क सेल करता हूँ तो मेरी कैटेगरी रहेगी हार्ड डिस्क और सब कैटेगरी रहेगी साटा के हार्ड डिस्क या SSD हार्ड डिस्क। अगर मैं पेन ड्राइव सेल करता हूँ तो पेन ड्राइव मेरी कैटेगरी रहेगी और इसके अंदर कंपनी का नाम, HP के भी मैं पेन ड्राइव सेल करता हूँ या सैमसंग के भी करता हूँ, तो यह मेरी सब कैटेगरी रहेगी। सेम यहाँ पे मैं मदरबोर्ड सेल करता हूँ तो मदरबोर्ड की सब कैटेगरी मेरी क्या रहेगी, गीगाबाइट कंपनी का भी सेल करता हूँ या MSI कंपनी का भी सेल करता हूँ। तो इसका कि प्रोसेसर कैटेगरी के अंदर उसकी रहती है सब कैटेगरी, यह आप अपने बिजनेस के अनुसार आप यहाँ पे एंट्री करोगे। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में आता हूँ, आने के बाद मास्टर एंट्री में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मुझे कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आने के बाद सेम यहाँ से मैं प्रोसेसर्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो प्रोसेसर एक कैटेगरी हमारी सेव हो गई। दूसरी कैटेगरी मेरी है यहाँ पे हार्ड डिस्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद इसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, तो दूसरी कैटेगरी मेरी यहाँ पे ऐड हो गई है। तीसरी कैटेगरी है मेरी यहाँ पेन ड्राइव्स, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके पेन ड्राइव ऐड करूँगा। चौथी कैटेगरी है मेरी मदरबोर्ड की, ओके। तो यहाँ पे न्यू आने के बाद मदरबोर्ड सेव। तो यह चार कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप अपने बिजनेस के अनुसार आप यहाँ पे कितने चाहे उतने कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसे मैं क्लोज करता हूँ। अबे हमें ऐड करना है सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज जैसे कि यहाँ पे पहली सब कैटेगरी प्रोसेसर के अंदर है मेरी इंटेल, तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी का नाम देता हूँ इंटेल और इसकी कैटेगरी चूज करता हूँ प्रोसेसर और इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके। दूसरी इंटेल के अंदर है मेरी कैटेगरी यहाँ पे AMD, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, AMD प्रोसेसर सेव। तीसरी कैटेगरी है मेरी हार्ड डिस्क के अंदर साटा, न्यू पे क्लिक करूँगा, साटा हार्ड डिस्क सेव। नेक्स्ट कैटेगरी SSD, न्यू पे क्लिक, हार्ड डिस्क सेव। नेक्स्ट कैटेगरी पेन ड्राइव के अंदर सब कैटेगरी मेरी HP सेव। नेक्स्ट कैटेगरी मेरी सैमसंग ये पेन ड्राइव सेव। नेक्स्ट कैटेगरी मदरबोर्ड के अंदर होती है GB, न्यू पे क्लिक, मदरबोर्ड सेव, ठीक है। MSI बोर्ड, मदरबोर्ड सेव, ठीक है। तो आपको सिर्फ यह कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, बाद में फिर आपको इस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड किया है। जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। अगर SSD सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड आ जाएगी। मदरबोर्ड लेता हूँ तो यहाँ पे GB MSI, ठीक है। पेन ड्राइव लेता हूँ तो HP सैमसंग और प्रोसेसर लेता हूँ तो इंटेल AMD। तो यह कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड हमें शो करेगी। आपको सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट और कैटेगरी सब कैटेगरी यह ऐड करना पड़ेगा।